हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस टेक्निकल के बड़े यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीकली फॉरेक्स फोरकास्ट वीडियो में हर वीक की तरह इस वीक भी हम तीन मेजर करेंसी पेयर के बारे में एक टेक्निकल एनालाइज करने वाले हैं, समझने वाले हैं इस वीक में हम किस तरीके से एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं और हमारी ट्रेड को किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, हम समझेंगे पिछले वीक का हमारा क्या एनालाइज था और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। फ्रेंड्स, अगर आप भी फॉरेक्स में ट्रेड करते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद इजिली आप यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं और अपनी ट्रेड को भी प्लान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यूरो यूएसडी करेंसी पेयर से। पिछले वीक का हमारा क्या एनालाइज था और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है, इसके बारे में सबसे पहले हम समझने वाले हैं। फ्रेंड्स, पिछले वीक में हमने एक सिंपल टेक्निकल एनालाइज यहाँ पे किया था। देखिए, यहाँ से सबसे पहले एक रेजिस्टेंस लेवल को ड्रॉ किया था, साथ ही साथ यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल को ड्रॉ किया था। हमने क्या देखा, हमने देखा यहाँ से मार्केट एक चैनल की तरह यहाँ पे क्रिएट कर रहा है, एक पैटर्न की तरह यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने देखा, अगर मार्केट इस पैटर्न का ब्रेकआउट करता है, रीटेस्ट करता है, फिर यहाँ से हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं। और बात करते हैं टारगेट की, तो इस लेवल का यहाँ पे हमने टारगेट दिया था 6514 का। बट यहाँ से मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट तो किया, लेकिन यहाँ पे रीटेस्ट नहीं किया दोस्तों, सडनली मार्केट ने फॉल कर दिया। सेकेंड व्यू था दोस्तों, अगर इस लेवल का हमारा जो ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन के बाद रीटेस्ट करता है, फिर यहाँ सेलिंग की तरफ देखेंगे और एक बड़ा टारगेट यहाँ पे हम लेंगे इस लेवल के आसपास। कौन सा लेवल है, क्या था, 1.04000 के लेवल का। फाइनली यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से सिंपल एनालाइज किया था दोस्तों यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में। अभी फ्रेंड्स, इस वीक में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, इसके बारे में यहाँ से समझ लेते हैं। यहाँ से अगर आप ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा जो सपोर्ट लेवल है ना, इस लेवल को मार्केट ने काफ़ी अच्छे से प्रीवियस टाइम सपोर्ट लिया है। देखिए, यहाँ से अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो मार्केट ने प्रीवियस टाइम देखिए सपोर्ट लिया है, सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, अभी भी मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ हम किस तरीके से ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, सिंपल प्लान कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए, मार्केट ने फॉल किया, सपोर्ट लिया, अगेन मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ अगर हमें देखने को मिलता है, इस लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो फिर यहाँ से ध्यान दीजिए हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं। बात करते हैं टारगेट की, तो फर्स्ट टारगेट हम इस लेवल का दे सकते हैं, एंड बात करें सेकेंड टारगेट की, तो सेकेंड टारगेट हम इस लेवल का दे सकते हैं, यानी प्रीवियस हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है, इस लेवल का हम सेकेंड टारगेट देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे अगर इस निकलाइन का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से एक डब्लू पैटर्न की तरह क्रिएट कर सकता है यूरो यूएसडी। यहाँ पे इसी के साथ साथ अगर हम एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से अगर आप RSI को तरफ देखेंगे तो RSI में यहाँ पे आपको एक डाइवर्जन भी देखने को मिलेगा। देखिए, RSI की लाइन आपको अपसाइड देखने को मिल रही है, साथ ही साथ यहाँ पे अगर हम बात करें प्राइस की, तो प्राइस देखिए एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसकी तरफ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमें एक कन्फर्मेशन मिल रहा है दोस्तों। बात करते हैं यहाँ से सेलिंग की, अगर हो सकता है मार्केट इस लेवल का ब्रेकडाउन करे और आप सेलिंग की तरफ देख रहे हैं, तो ब्रेकडाउन के बाद प्रॉपर यहाँ से हमें कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो फिर यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। बात करते हैं यहाँ से टारगेट की, तो 1.02963 का यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। तो इस तरीके से इस वीक में हम एक सिंपल एनालाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स यूरो यूएसडी करेंसी पेयर में। आई होप आपको एनालाइज पसंद आया होगा। अगर आपको एनालाइज पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिए, चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर हिट कर लीजिए। चलिए अब दोस्तों हम जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर के बारे में समझ लेते हैं। जीबीपी यूएसडी में हमारा किस तरीके से एनालाइज था पिछले वीक और मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। फ्रेंड्स, पिछले वीक की अगर बात करें तो जीबीपी यूएसडी में सिंपल एनालाइज था। यहां से हमने क्या देखा, एक सपोर्ट लेवल, इसी के साथ साथ यहां पे हमने एक रेजिस्टेंस लेवल भी ड्रॉ किया था, और यहां पे हमने देखा था पिछले वीक मार्केट इस लेवल के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, एक रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो यहां पे हमने देखा, अगर मार्केट प्रीवियस टाइम ध्यान दीजिए, यहाँ पे 27 तारीख आप यहाँ पे देख सकते हैं, प्रीवियस वीक अगर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है और प्रॉपर कंफर्मेशन मिलता है तो यहाँ से हम बाइंग की तरफ देखेंगे और इस लेवल का टारगेट देंगे। अगर मार्केट इस लेवल का रेजिस्टेंस लेता है तो देखिए यहाँ से हम क्या करने वाले थे, शॉर्ट करने वाले थे यहाँ पे, ठीक है,
ये हमारा फर्स्ट टारगेट देखिए दोस्तों अचीव हो चुका है। बात करते हैं सेकंड टारगेट की, तो हमने देखा अगर इस लेवल का भी ब्रेक डाउन होता है तो फिर यहाँ से सेलिंग की तरफ देखेंगे अगेन और टारगेट इस लेवल के आसपास यहाँ पे देंगे। देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे कौन सा लेवल था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 20,621 का यहाँ पे हमने टारगेट दिया था। फाइनली हमारा सेकंड टारगेट भी अचीव हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से एक सिंपल एनालाइज किया था फ्रेंड्स जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में। अभी इस वीक में हम किस तरीके से एक एनालाइज कर सकते हैं जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में, सिंपल एनालाइज कर सकते हैं फ्रेंड्स। देखिए हमने क्या किया, एक सपोर्ट लेवल को यहाँ पे स्टैंड कर लिया, मार्केट ने इस लेवल का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से बाइंग में हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से फ्रेंड्स ध्यान देना है, पिछला जो हमारा रेजिस्टेंस लेवल था इस लेवल को अगर मार्केट रेजिस्टेंस लेता है तो फिर यहाँ से हम क्या करेंगे सेलिंग की तरफ देखेंगे। एंड बात करते हैं टारगेट की, तो इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं, यानी प्रीवियस हमारा सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। ये हो गया दोस्तों सेलिंग की तरफ। मैं थोड़ा सा प्रीवियस रेजिस्टेंस को यहाँ पे एक्सटेंड कर दूँ ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। अब यहाँ पे दोस्तों हमें ध्यान देना है, अगर मार्केट इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो यहाँ से हम बाइंग की तरफ देखेंगे और प्रीवियस रेजिस्टेंस का यहाँ पे हम टारगेट देंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ इस वीक में हम सिंपल एनालाइज कर सकते हैं जीबीपी यूएसडी करेंसी पेयर में। तो चलिए दोस्तों अब हम समझ लेते। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैंने यूएसडी जेपीवाई ओपन कर लिया है। यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में पिछले वीक में हमने किस तरीके से एनालाइज किया था, सिंपल एनालाइज था दोस्तों। देखिए यहाँ से हमने एक रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था और ये सपोर्ट लेवल ड्रॉ किया था। हमने देखा मार्केट ने इसका ब्रेकआउट कर दिया, देखिए इस लेवल का ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद अगेन मार्केट ने यहाँ से ब्रेक डाउन किया, तो हो सकता है मे बी इस लेवल का अगेन ब्रेकआउट कर दे। अगर यूएसडी जेपीवाई इस लेवल का ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट करने आता है, फिर क्या करेंगे बाइंग की तरफ देखेंगे। एंड टारगेट की बात करें तो प्रीवियस हाई का यहाँ पे टारगेट देखेंगे। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया और यहाँ से बाइंग में हमें देखने को मिला। प्रीवियस हाई का जो हमने टारगेट दिया था वो यहाँ पे हमारा अचीव हो चुका है कुछ इस तरीके से। अभी इस वीक में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक डबल टॉप यहाँ पे बनता हुआ नजर आएगा, जिसको हम एक एम पैटर्न भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या नजर आ रहा है, एक एम पैटर्न डबल टॉप यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है मे बी इस लेवल को मार्केट ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है। वो क्या हुआ, डबल टॉप का निकलाइन, ठीक है। तो इस निकलाइन का जैसे ही ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ध्यान देना है प्रॉपर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलना चाहिए, इसके बाद यहाँ पे टारगेट की बात करें तो इस लेवल के आसपास यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में, ठीक है। सेल कब करना है फ्रेंड्स, यहाँ पे एम पैटर्न का जो निकलाइन है, निकलाइन का ब्रेकडाउन के लिए वेट करना है। जैसे ही हमें कन्फर्मेशन मिलता है फिर यहाँ से हम सेलिंग की तरफ देख सकते हैं। और बात करते हैं टारगेट की, 482 का यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ से हम बाइंग की, बाइंग कब कर सकते हैं, यहाँ से अगर मार्केट हमें सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिलता है और इस लेवल का भी ब्रेकआउट करता है फिर यहाँ से हम बाइंग की तरफ देख सकते हैं और इस लेवल का अगेन टॉप का यहाँ पे टारगेट दे सकते हैं। कौन सा लेवल है तो यहाँ पे आप देखेंगे 133.583 का यहाँ पे हम टारगेट दे सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से इस वीक में हम एक सिंपल एनालाइज कर सकते हैं यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में। आई होप फ्रेंड्स आप अच्छे से समझ पाए होंगे, इस वीक में हम यूरो यूएसडी जीबीपी यूएसडी एंड यूएसडी जेपीवाई करेंसी पेयर में किस तरीके से एक सिंपल एनालाइज कर सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको एनालाइज पसंद आया होगा। अगर आपको ये एनालाइज पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे टेक्निकल केबीडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट जरूर कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।